नमस्ते, मैं हूँ निशा। हमारे रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट रायता। उसमें मैंने जो भी सामान ऐड करना है वो सारे मैंने आपको पहले दिखा दिया है, देख लीजिए। ये दही लिया मैंने आधा किलो, और उसमें मैंने 4 केले लिए हैं, 2 एप्पल है, 2 ये अंगूर है ब्लैक वाला, और 2 है अनार, 1 कटोरी चीनी, और ये 1 प्लेट में थोड़ी सी मैंने जो हरी वाली इलायची होती छोटी इलायची उसके दाने निकाल रखे, और ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्च लिया है, ये दरदरा पीस लिया है। और सबसे पहले मैं अंगूर उसको जो अनार है उसको छील लेके मैं दाने अलग कर लेती हूँ। अनार को मैंने काट के 2-2 हिस्सा कर लिया है। अब इसको मैं दाने निकाल लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दाना निकालने में, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पहले दाने को अलग निकाल लेती हूँ इसी तरह से। अनार को मैंने दाने निकाल के अलग कर लिया है। अब जो सेब है, सेब को भी मैं ज़्यादा बारीक नहीं काटूँगी, मोटी ठीक नॉर्मल जो मीडियम साइज़ के होते हैं वो काटूँगी, और केले को भी छील के इसी तरह से उसी शेप में काट लूँगी उसी साइज़ में। और आपके पास भी अगर ऐसे फ्रूट बचे हैं, कभी कभी हो जाता है एक साथ ढेर सारे कहीं से आ जाते हैं या हम ले आते हैं खुद, तो ऐसे ही पड़े पड़े कभी खाई भी नहीं जाती, तो इसीलिए आप भी इसी तरह से ये जो फ्रूट रायता है वो बना सकते हैं। इसके लिए फ्रूट आपको जो भी पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी यही 3-4 आइटम था, तो मैं इसीलिए ये 3-4 आइटम ही डाल रही हूँ। इसी साइज में काट लूँगी सेब को, और केले का साइज भी इसी तरह से कर लूँगी इसी साइज में। देखिए इसी साइड में काटूँगी सेब को, कटिंग कर लिया है मैंने। अब इस सेब को मैं दूसरे बड़े बर्तन में ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे बर्तन में फिर सारे चीज़ मिक्स करेंगे तो इसमें नहीं आएगा प्लेट में, तो इसीलिए बड़ा बर्तन यूज़ कर रही हूँ मैं। इसमें मैं अनार भी डाल देती हूँ, थोड़ी सी मैं रखूँगी बाद में ऊपर से डालने के लिए, गार्निश करने के लिए। अंगूर मैंने काले वाले भी लिए हैं और इसमें हरा वाले भी है, दोनों मिक्स करके डाल दियो। इसको भी 2-2 पीस करके काट लेना है दोनों अंगूर को। अंगूर को भी काट ले हैं, अब इसी बर्तन में इसको डाल दूँगी। केले में सबसे लास्ट में काटूँगी, क्योंकि केले अगर मैं जल्दी काटूँगी तो वो काला पड़ जाता है, तो इसको इसलिए सबसे लास्ट में काटूँगी। इस केले काटने से पहले मैं जो दही है, दही में चीनी डाल के मैं उसमें थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि चीनी घूलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर सारे जो फ्रूट्स में नहीं लगता है रायता में, तो इसीलिए पहले मैं चीनी ऐड कर लूँगी। चीनी मैंने 1 कटोरी लिया है, क्योंकि हमारी दही इतनी खट्टी नहीं है, तो इसीलिए 1 कटोरी लिया है। अगर आपकी दही थोड़ी खट्टी है तो आप चीनी बढ़ा सकते हैं इसमें, 1 कटोरी की बजाय आप 1.5 कटोरी 2 कटोरी, जितना आपको मीठा पसंद हो तो उतना डाल सकते हैं। तो इसको पहले मैं मिक्स कर देती हूँ, इसे आराम आराम से इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपको इसमें गुड़ का स्वाद अच्छा लगता है तो आप चीनी यूज ना करके तो गुड़ को भी बारीक बारीक कद्दूकस करके तो इसमें डाल सकते हैं, तो मैं चीनी के यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मैं थोड़ी देर के रख दूँगी, केले को कटिंग कर लेती हूँ। जब तक हमारे लगभग चीनी इसमें मिक्स हो चुका है, थोड़ी देर में रख दूँगी तो चीनी अच्छी तरह और घुल जाएगी, फिर एक बार मैं बाद में ऐसे करके मिक्स कर दूँगी एक बार।
देखिए सारे केले को भी मैंने कटिंग कर लिया है, अभी इसको भी इसी बर्तन में ऐड कर लूँगी। उसके बाद अब दही भी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए हमारी चीनी भी इसमें घुल चुकी है। इसमें मैंने जो दरदरा काली मिर्च पीसा था उसको भी डाल दूंगी, और जो छोटी इलायची के दाने निकाल के अलग कर रहे थे मैंने वो भी डाल दूंगी इसमें। उसके बाद इस चम्मच के सहारे से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। वो चम्मच थोड़ा छोटा पड़ गया था इसलिए मैंने बड़ा ले लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको इसी बर्तन में इसी तरह से अभी 3 से 4 मिनट में ऐसे रख दूंगी, ताकि ये दही जो है ना ये सारे फल में मिक्स हो जाएगा, अच्छी तरह से लग जाएगा, इसीलिए तो इसको 3 मिनट में ऐसे रख दूँगी। आप इसी वाले रायता को, नमकीन वाले रायता भी बना सकते हैं, बस मैंने इसमें मीठा डाला है, चीनी का यूज़ किया है, तो आप उसमें चीनी का बदला नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दीजिए, उसके बाद ये नमकीन वाले फ्रूट रायता बन जाएगा। मैंने मीठा वाला बनाया है। अब मेरा लगभग ये तैयार हो चुका है। अब मैं दूसरे कटोरी में ऐड कर देती हूँ। देखिए दही भी थोड़ा सा पतला हो गया, क्योंकि इसमें पहले चीनी भी डाला, फिर उसके बाद जैसे ये फल में दही को डाल दिया तो इसमें फल ने भी पानी छोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से दही मेरा थोड़ा सा पतला लग रहा है। देखिए देखिए फ्रूट रायता बन के तैयार हो चुका है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ब्लैक रेड वाइट सब मिक्स हो गए, और खाने में उतने स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा, फ़ायदेमंद, विटामिन से परिपूर्ण। आप भी बनाइए घर पे और इस फ्रूट रायता के मज़ा ले लीजिए। फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्ते, बाय बाय, और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।